दोस्तों, साउथ चाइना सी और इंडो चाइना बॉर्डर के बाद चाइना का एग्रेशन हमें आज आर्कटिक में देखने को मिल रहा है। ऑल्दो चाइना आर्कटिक रीजन से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी चाइना के अकॉर्डिंग वो एक नियर आर्कटिक स्टेट है। और आज चाइना इस रीजन को डोमिनेट करने के लिए आइस ब्रेकिंग शिप्स एंड सबमरीन्स में हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज की वजह से शायद 2030 तक आर्कटिक में हमें आइस फ्री समर्स देखने को मिल सकती हैं, और ये रीजन चाइना को यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका का अल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड कर सकता है और चाइना को स्ट्रेट ऑफ मलाका जैसे चोक पॉइंट्स को बाईपास करने का ऑप्शन देता है। साथ ही दोस्तों, चाइना को इस मुहिम में रशिया का फुल सपोर्ट है, जो कि आर्कटिक रीजन में लार्जेस्ट कंट्री भी है और इस रीजन में लार्जेस्ट एरिया भी कंट्रोल करती है। तो दोस्तों, क्या इंडिया को भी आर्कटिक रीजन में अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश करनी चाहिए या नहीं, और क्या इंडिया आर्कटिक में कोई स्टेशन ऑपरेट करता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।